Hello everyone, welcome to Unique Coaching Classes Bajaj Nagar. So, today we are going to learn our next lesson 2.5 that is, let's march. So, actually, uh, this is a one speech which was delivered by Kaila Satyarthi, who is a, a social worker of our India. And uh, he had done many good things for the children of uh, uh, different countries. Okay, so let's see the introduction of Kaila Satyarthi. So Kaila Satyarthi, who was born in 1954, uh, he is an Indian children's rights and educational education advocate and activist against child labour. So, Kaila Kailas Satyarthi ek, uh, Indian मैंने आपको कहा था जो एक बच्चों के हक के लिए और बच्चों के शिक्षण के लिए वकीली करते हैं और उसी बात से वो एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता है जो भी चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट काम करने का आ, काम करते यस ही फाउंडेड द बचपन बचाओ आंदोलन इन 1980 तो एक बचपन बचाओ आंदोलन जो कि एक मराठी वर्ड्स है देखो सॉरी हिंदी वर्ड्स है तो उन्होंने थोड़ा सा आ, <coughs> डिफरेंट फॉन्ट यहाँ पे लिया लिया है सो दिस आंदोलन वॉज स्टार्टेड और फाउंडेड इन नाइनटीन एटी बाई हैज एक्टेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मोर देन एटी थ्री थाउजेंड चिल्ड्रन एकरस वन फोर्टी फोर कंट्रीज़ तो देखिए इस आंदोलन से क्या हुआ है तो उन्होंने एक तो पहली बात है जो बच्चों के ऐटी थ्री थाउजेंड चिल्ड्रन अक्रॉस द वन फोर्टी फोर कंट्रीज मीन्स एटी थ्री थाउजेंड चिल्ड्रन फ्रॉम द वन फोर्टी फोर कंट्रीज उनका जो हक है उनका आरक्षण करने का काम उन्होंने किया है एक एक्ट थ्रू ओके सो विकसिया अ वेरी वेरी नाइस थिंग ही हैज़ डन एटी थ्री थाउजेंड चिल्ड्रन इज़ नॉट अ लेस क्वान्टिटी विकेंस ये ये कुछ uh, कम क्वान्टी नहीं है इतने बच्चों को जो भी उनके हक है उनको uh, मीन्स उनके हक के लिए लड़ने का काम इन्होंने किया है यस एंड एक्चुअली दे आर नॉट द चिल्ड्रन ऑफ ओनली इंडिया बट दे आर द चिल्ड्रन ऑफ 144 फोर्टी फोर कंट्रीज फ्रॉम द वर्ल्ड यस वेरी वेरी नाइस ही हैज़ बीन ऑनर्ड विथ मेनी अवार्ड्स इंक्लूडिंग नोबेल पीस प्राइज ऑफ टू तो ये देखिए ऐसे बहुत सारे जो सोशल वर्क करते हैं उन्हें बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स मिलते हैं इन द सेम वे कैलाश सत्यार्थी इनको भी एक बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स मिले हैं और जो भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो अवार्ड हम मानते हैं दैट्स ए नोबेल प्राइज़ सो उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था 2014 में ओके okay? तो जो कि एक बच्चों का जो हक आ, मिस हक के लिए लड़ने के वाला एक व्यक्ति इसलिए उन्होंने एक ऐसे बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी सुधारी है इसीलिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ वहाँ पे मिला था ही हैड एड्रेस दिस स्पीच ऑन द ईव ऑफ नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी तो जो ये स्पीच है तो स्पीच उन्होंने डिलीवर किया था लोगों को एड्रेस किया था जब उन्हें ये नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी तब उन्होंने ये स्पीच दिया था यस सो लेट्स सी एक्चुअली वॉट वॉट थिंग्स ही इज गोइंग टू से टू अस अबाउट चिल्ड्रन

पूरे वर्ल्ड विश्व के जो भी बच्चे हैं उन्हें कहा है योर मैजिस्टिज अब यहाँ पे मैजिस्टीज वर्ड यहाँ पे आया है देखो ये मैजिस्टिज वॉट मैजिस्टी का मतलब होता है जो गौरवशाली होता है वैभवशाली होता है महामहिम ऐसा जो भी एक आ, हाई पोस्ट वाला एक व्यक्ति वहां पे होता है उसे मैजिस्टिज कहा जा सकता है येस yes. और उसके बाद में कहते हैं यूअर रॉयल हाईनेस सो एक्चुअली द पीपल फ्रॉम द रॉयल फैमिली जो भी हाइनेसेस अब हाइनेसेस का मतलब होता है जो भी वहाँ पे महारानी होती है महाराजा होता है और जो भी युवराज वगैरह होता है आ, जैसे राजघराना जो होता है उनको हम योर हाइनेसेस कह सकते हैं एक्सेलेंस डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स ऑफ द नॉर्वेन नोबल कमेटी और जो भी एक नॉर्वेन नॉर्वेन नोबल कमेटी है आ, जो डिसाइड करती है कि किसे कौन सा अवार्ड देना है प्राइस देना है अब नोबेल पीस प्राइस देना है कि डिफरेंट uh, लिटरेचर uh, के लिए भी ये नोबेल प्राइज मिलता है तो उसी तरह किसे देना है ये कमिटी डिसाइड uh, करती है सो एक्चुअली दोस ऑल द डिस्टिंगविश मेंबर्स उन्होंने कहा है ऑफ द कमेटी डियर ब्रदर टॉम हार्किंग अब ये टॉम हार्किंग कौन है तो एक्चुअली ही इज द सीनेटर ऑफ नॉर्वेन कंट्री एंड एक और एक बात कह, कह सकता हूँ कि एक्चुअली इनका जो नॉमिनेशन किया था कैलाश सत्यार्थी जी का ये नॉमिनेशन किया था टॉम हार्किन जी ने ओके तो उसके बाद में कहते जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड माय डियर डॉटर मलाला सो so, विकसिया जो भी भाई बहन है भाई बहन जो भी वहाँ पे प्रेजेंट थे एंड वहाँ पे और एक व्यक्ति थी यूसुफ जई मलाला जो एक पाकिस्तान की एक्टिविस्ट है सोशल वर्कर है जो आ, लेडीज़ के जो भी राइट्स uh, है एजुकेशन है इसके बारे में काम करती है सो so, बहुत अच्छा उनका भी काम है यस सो लेट्स सी व्हाट ही सेज और व्हाट आर द हीज थॉट्स फ्रॉम दिस पोडियम ये पैराग्राफ मैं पढ़ने जा रहा हूँ फ्रॉम दिस पोडियम ऑफ पीस एंड ह्यूमैनिटी, सो व्हाट इज़ मीन बाय पोडियम अब यहाँ पे पोडियम का मतलब होता है स्टेज मंच कह सकते हैं आप उसे तो इस मंच से वो कह रहे कि इस मंच मंच से कौन सा मंच है सो पोरियम ऑफ पीस एंड ह्यूमिनिटी ह्यूमेनिटी शांतता और मानवता की जो मंच है उस मंच से वो कहने जा रहे हैं आई एम डीपली ऑनर टू रिसाइट अ मंत्र फ्रॉम द एंसेंट टेक्स्ट ऑफ विजडम वेदास अब वेदास हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि हमारे हिंदू धर्म में यजुर्वेद सामवेद ऋग्वेद ऐसे जो वेद हमने देखे हैं ऐसे चार वेद हैं तो इन वेदों में से एक मंत्र है एक प्राचीन मंत्र है वो अपने स्पीच की शुरुआत उस मंत्र से कहना करना चाहते हैं और वो कहते हैं कि ये मंत्र डिसाइड करने के लिए मुझे बहुत सन लाइक गौरवशाली लग रहा है यस सो दिस मंत्र अब इस मंत्र में क्या है आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्चुअली वॉट डज द एक्चुअली वॉट डज द मंत्र फ्रॉम वेदास कैरी ओके तो पहले देखिए दिस मंत्र कैरी इज अ प्रेयर सो इस मंत्र में क्या है तो प्रेयर है प्रार्थना है प्रार्थना ओके okay, एंड उसके बाद में कहते हैं एन एस्पेरेशन सो एक्चुअली का मतलब आप यहां पे लिख सकते हैं यहां पे एन आर्डेंट विश और डिजायर और कैन से क्या विश और डिजायर मीन महत्वाकांक्षा आकांक्षा भी है इसमें एंड रिजोल्व अब रिजोल्व का मतलब होता है संकल्प संकल्प दैट हैज पोटेंशियल टू लिबरेट ह्यूमेनिटी फ्रॉम ऑल मैन मेड क्राइसिस सो विच हैज़ द पोटेंशियल यहाँ पे पोटेशन पोटेंशियल का मतलब होता है एबिलिटी क्षमता क्योंकि इसमें इस मंत्र में क्षमता क्या है टू लिबरेट ह्यूमेनिटी फ्रॉम ऑल मैन मेड क्राइसिस तो जो भी मानवनिर्मित संकट है विपत्ति है उन सभी विपत्तियों से इस पूरे मानवता और मानव जात को स्वतंत्र करने की ताकत इस मंत्र में है ऐसा वो कहते हैं इफ यू वॉन्ट टू लिसन दिस मंत्र सो यू कैन जस्ट गो टू द यूट्यूब एंड जस्ट क्लिक कैलाश सत्यार्थीज स्पीच ऑन नोबेल पीस प्राइज सेरेमनी ओके ऐसा आप सकते हैं और वहाँ पे आप उनका एक पूरा जो स्पीच है आप वो सुन सकते हैं यस yes. तो ये एक क्वेश्चन आ सकता है एक्चुअली मंत्र में क्या क्या मंत्र क्या क्या कैरी क्या क्या करता है तो ये बातें हैं एक पहले प्रेयर एस्परेशन रिजॉल्व दैट हैज द पोटेंशियल टू लिबरेट ह्यूमिनिटी फ्रॉम ऑल मैनमेंट क्राइसिस यहाँ पे क्राइसिस का मतलब होता है संकट विपत्ति उसे कह सकते हैं आप जो भी प्रॉब्लम के बारे में भी आप बोल सकते हैं क्राइसिस का मतलब यह भी होता है कि अ क्रिटिकल और डेंजरस टाइम और सिचुएशन यह भी आप कह सकते हैं। so, देखिए क्या कहते हैं वो ये जो अगला पैराग्राफ देख हम देखेंगे लेट्स वॉक टुगेदर इन द परस्यूट ऑफ ग्लोबल प्रोग्रेस कहते कि चलो हम साथ चलते हैं इन द परूट अब परिसूट का मतलब क्या है तो लक्ष्य टारगेट चेस करना उसे ओके परस्यूट ऑफ ग्लोबल प्रोग्रेस जो भी वैश्विक एक प्रोग्रेस प्रगति है उसके पीछे हम भागेंगे ऐसा वो कहते हैं वो हमारा लक्ष्य है सिर्फ एक देश की प्रगति नहीं होनी चाहिए तो ग्लोबल प्रोग्रेस मीन्स वैश्विक प्रगति होनी चाहिए ऐसा उनको लगता है नॉट अ सिंगल पर्सन शुड बी लेफ्ट आउट और लेफ्ट बिहाइंड इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ तो कहते हैं कि एक भी व्यक्ति इस पूरे विश्व में का एक भी व्यक्ति कहीं भी एक कॉर्नर में कौर्नर में नहीं छूटना चाहिए सो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ओके पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर तक सभी जो व्यक्ति है उन सभी व्यक्ति की प्रगति होनी चाहिए एक भी व्यक्ति पीछे नहीं छूटना चाहिए ओके सो लेफ्ट बिहाइंड मीन्स पीछे नहीं छूटना चाहिए और इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड और इस विश्व में कि किसी भी कॉर्नर में वो पढ़ना नहीं चाहिए सो ईच एंड एवरी पर्सन शुड हैव प्रोग्रेस इन हीज और हर लाइफ हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रगति होनी चाहिए ऐसा वो कहते हैं तो कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए तो आप जानते कि आज भी uh, कुछ लोग बहुत uh, रिच हैं और कुछ कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्हें एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता तो ये एक ये बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन आज हमारे वर्ल्ड में हम देखी जा सकती है कि एक्चुअली लाइक देर इज वन ग्रुप अ वेरी फ्यू पीपल हु हैज द मोस्ट ऑफ द मनी ऑफ द वर्ल्ड एट दो सारा मीन्स एक्चुअली लाइक लाइक एटी परसेंट और द सेवेंटी परसेंट ऑफ द मनी दे हैड उनके पास से जो एक टेन परसेंट पीपल है वर्ल्ड के और जो 90% परसेंट लोग हैं उनके पास कितना है 20-30% परसेंट पूरे वर्ल्ड में तो ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस छूटना चाहिए ये सब सॉल्व होना चाहिए ऐसा उनका मानना है और सबकी प्रगति होनी चाहिए विश्व की प्रगति होनी चाहिए ऐसा उनका कहना है ओके okay. ये जो सोशल वर्कर्स होते हैं इनका जो व्यू होता है वो बहुत ही ब्रॉड होता है आ, कुछ आ, हमने भी सुना है देखो द होल वर्ल्ड इज माई होम द होल वर्ल्ड इज माई होम पूरा विश्व ही मेरा घर है ओके अपने लाइक इन मराठी इट इज सेड हे विश्व ची माजे घर ओके मीन्स एक्चुअली सम पीपल हैव द ब्रॉड माइंड सो एक्चुअली वो सिर्फ अपने खुद के देश खुद का घर खुद का खुद की uh, खुद का स्टेट जो है उसके बारे में नहीं सोचते सो एक्चुअली दे थिंक अबाउट द होल वर्ल्ड पूरे जो विश्व में जो लोग हैं उनके बारे में वो सोचते हैं सो इन द सेम मैनर कैला सत्यल्सो ओके अगला अगली जो तीन लाइनें देखो लेट्स स्पीक टुगेदर लेट आवर माइंड कम टूगेदर लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ आवर एंसेस्टर्स लेट एस टूगेदर क्रिएट नॉलेज फॉर ऑल दैट बेनिफिट ऑल तो कहते कि चलो हम बात करें एक दूसरे से एक्चुअली एक साथ बात करें सो लेट आवर माइंड कम टुगेदर हमारे जो माइंड है वो एक साथ आने चाहिए सो ईच एंड एवरी पर्सन हैज द न्यू आइडिया हर एक व्यक्ति के पास एक न्यू आइडिया है सो लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ आवर एंसेस्टर्स यहाँ पे एंसेस्टर्स का मतलब होता है सो so, जो भी हमारे पूर्वज है उनकी जो अनुभव है उनसे हम सीखते हैं सो एज वी नो वेरी वेल द मेनी थिंग्स विच द आवर एंसेस्टर्स सो एक्चुअली दे आर यूजफुल टूडे ऑल्सो इन आवर लाइफ तो उनसे बहुत सारी ऐसी उनसे हम सीखेंगे सो लेट अस टूगेदर क्रिएट नॉलेज फॉर ऑल दैट बेनिफिट्स ऑल एक ऐसा ज्ञान हम क्रिएट करेंगे तैयार करेंगे जो कि सबके लिए हो और सबके बेनिफिट के लिए हो और सबका भला हो उससे ऐसा वो कहते हैं so सो देखिए बहुत ही एक विस्तीर्ण ऐसी एक वास्ट ऐसी कल्पना उनकी है आई बो टू माई लेट पेरेंट्स टू माई लैंड इंडिया एंड टू द मदर अर्थ जब भी हम कभी स्पीच करते तो हम नमन करते किसी व्यक्ति का व्यक्ति को तो यहाँ पे बो का मतलब होता है टू एक्चुअली वी कैन से नमन करना और प्रणाम करना किसी को तो भी ओके तो प्रणाम करते पहले किसे माई लेट पेरेंट्स एक्चुअली उनके जो कैलाश में से यहाँ पे लेट का मतलब होता है जो कि जिनकी भी डेथ हुई है उन्हें हम लेट लगाते पहले सो माई लेट पेरेंट जो उनके लेट पेरेंट्स हैं माता पिता है माई मदर लैंड मेरी मातृभूमि इंडिया एंड टू माई टू द मदर अर्थ जो भी हमारी ये पृथ्वी माता है हम पृथ्वी को माता मानते हैं इसलिए उन्होंने कहा है टू द मदर अर्थ तो इन्हें वो नमन करते हैं पहले यस yes. और देखिए आगे विथ हार्ट आई रिकॉल हाउ थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स आई हैव बीन लिबरेटेड ईच टाइम आई हैव फ्रीड अ चाइल्ड फ्रॉम स्लेवरी वो कहते हैं फ्रॉम अ विथ हार्ट सो यहाँ पे वार्म हार्ट का मतलब नहीं होता कि एक्चुअली गर्म वगैरह तो उसे आप कह सकते हैं कि मनोपूर्वक कह सकते आप आई रिकॉल आई रिकॉल का मतलब यहाँ पे होता है रिमेंबर रिमेंबर रिकॉल का मतलब होता है रिमेंबर मुझे ऐसा लगा कि मैं स्वतंत्र हो गया हूं कब ईच टाइम आई हैव फ्रीड अ चाइल्ड फ्रॉम स्लेवरी जब भी उन्होंने एक बच्चे को स्लेवरी से गुलामगिरी से बाहर किया उससे जो भी हक मिलना चाहिए वो हक उन्हें उससे प्राप्त करके दिए अधिकार प्राप्त करके दिए सो दैट टाइम ही फेल्ट लिबरेटेड ओके

चाइल्ड फ्रॉम स्लेवरी ऐसा आपको कहना पड़ेगा सो वॉट वुड यू सी वेन द चाइल हु मेड फ्री फ्रॉम द स्लेवरी सो दैट टाइम द फर्स्ट स्माइल ऑफ फ्रीडम ऑन देर ब्यूटीफुल फेसेस उनके जो सुंदर ऐसे जो चेहरे होते हैं उनकी जो फर्स्ट स्माइल आती है जब वो स्वतंत्र होते हैं लिबरेटेड होते हैं फ्री होते हैं किसी स्लेवर से सो दैट टाइम कैलाश सत्यर्थी वॉज फीलिंग दैट द गॉड स्माइलिंग इन इन दैट फेस और वी कैन सी अ उनके चेहरे में उन्हें ऐसा लगता था जब वो स्माइल करते थे ऐसा लगता था कि गॉड स्माइल कर रहे वो हंस रहे हैं भगवान हंस रहे सो मीन्स एक्चुअली इट इज़ ऑल्सो सेड एक uh, सिनेमा मूवी भी आई थी देखो तो कि अगर एक बच्ची की स्माइल मुझे ऐसी किक दे सकती है तो हज़ारों बच्चों की किक किको हजारों बच्चों की स्माइल मुझे कैसी कैसे किक देगी ऐसा एक डायलॉग मैंने सुना था एक किक uh, नाम की मूवी में ओके तो ऐसे ही उन्हें भी एक बच्चों बच्चे बच्चों की जो स्माइल होती है जो स्वतंत्र होने के बाद जो स्माइल होती है पहली तो उसमें ऐसा उन्हें महसूस होता था कि एक्चुअली दैट गॉड इज़ स्माइलिंग ओके यस yes, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ इज हियर लास्ट वन ऑन दिस पेज आई गिव द बिगेस्ट क्रेडिट ऑफ दिस ऑनर टू माय मूवमेंट्स कालू कुमार धूम एंड आदर्श किशोर फ्रॉम इंडिया एंड इकबाल मसीह फ्रॉम पाकिस्तान हु मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस फॉर प्रोटेक्टिंग ओके फॉर प्रोटेक्टिंग स द फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ चिल्ड्रन सो वी कैन सी देखिए इन यहाँ पे एक दो मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है ओके okay, uh, कौन सा क्वेश्चन हो सकता है कि एक्चुअली uh, ऐसा कह सकते हैं वहाँ पे कि एक्चुअली उन्हें हुम डज ही गिव क्रेडिट ऑफ दिस ऑनर ओके तो ऐसा कहा जा सकता है तो ये जो क्रेडिट है वो दे रहे किसे एक एक कालू कुमार जो मूवमेंट में उनके साथ काम करते थे कालू कुमार थे धूमदास थे आदर्श किशोर जो कि ये तीनों इंडिया से थे और इकबाल मस्जिद जो कि पाकिस्तान से काम करते थे हु मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस जिन्होंने सेक्रीफाइस की उनकी ज़िंदगी फॉर प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ चिल्ड्रन जो कि बच्चों का स्वतंत्रता है और उनकी जो प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा है होती है वो बचाने के लिए उनने उन्होंने खुद की जान गंवा दी उन्होंने सेक्रीफाइस कर दी त्याग कर दिया खुद के जीवन का इसीलिए उन्होंने कहा है कि ये जो क्रेडिट है ये जो ऑनर मुझे मिला है जो भी पीस आ, नोबेल प्राइज औ, पीस ऑफ पीस प्राइज मिला है सो ये मैं इसका श्रेय मैं कैसे देता हूँ क्रेडिट मीन्स इसका श्रेय मैं कैसे देता हूँ तो उन लोगों को देता हूं तो ये चार लोग हैं एक दो मार्क के लिए ये पूछा जा सकता है तो याद रखिए, इस मूवमेंट में जो काम करते थे कालू कुमार धूमदास आदर्श किशोर फ्रॉम इंडिया एंड इकबाल मसीह फ्रॉम पाकिस्तान सो हु मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस जिन्होंने खुद की जिंदगी का सेक्रीफाइस किया त्याग किया फॉर प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम एंड द डिग्निटी ऑफ चिल्ड्रन बच्चों का स्वतंत्रता बच्चों की स्वतंत्रता और उनकी जो प्रतिष्ठा होती है डिग्निटी डिग्निटी का मतलब यहाँ पे दिया है देखो सेल्फ रेस्पेक्ट उनकी प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा बचाने के लिए उन्होंने खुद की जान दे दी खुद का खुद के जीवन का त्याग कर दिया था तो ऐसे लोगों को वो कहते हैं कि एक्चुअली क्रेडिट वो देते आई हमली एक्सेप्ट दिस अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ

ने जो ये अवार्ड एक्सेप्ट किया था स्वीकार किया था तो कौन ऐसे व्यक्ति है उनकी तरफ से ये एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं वहां पे एक आंसर दे सकते लाइक वी कैन से सत्यर्थ एक्सेप्ट द अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ द मार्टियर्स हु मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस फॉर द प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम एंड द डिग्निटी ऑफ द चिल्ड्रन सो वी कैन से दैट ही इज़ अ फेलो एक्टिविस्ट एकरोस द वर्ल्ड एंड हीज़ कंट्री मैन जो भी यहाँ पे उनके साथ जो भी एक्टिविस्ट थे कार्यकर्ता थे और जो भी कंट्री मैन थे जो उन्हें हेल्प करते थे उन सभी की तरफ से वो ये जो उन्हें सम्मान मिला है वो एक्सेप्ट करते हैं ऐसा उन्होंने कहा है मैं यहाँ पे एक वर्ड है मार्टियर्स सो एक्चुअल वर्ड मीन बाय द मार्टियर्स सो मार्टियर का मतलब होता है हतात्मा शहीद जो व्यक्ति शहीद होते हैं कुछ अच्छे अच्छे के लिए शहीद होते हैं जैसे कि हम देखते हैं कि सोल्जर्स हमारे देश को बचाने के लिए शहीद होते हैं उनकी जान चली जाती है तो उन्हें हम हुतात्मा कहते हैं और शहीद कहते हैं ये सुनो तो बहुत बड़ा वो उन्होंने काम हमारे देश के लिए के किया होता है सो इन द सेम मैनर दिज ऑल द पीपल हैड डन गुड फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड सो उनके बिहाफ उनकी तरफ से वो ये जो अवार्ड उन्हें मिला है, ये सम्मान मिला है, वो एक्सेप्ट करते हैं तो देखिए आगे वो कहते हैं माय जर्नी फ्रॉम द ग्रेट लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्धा गुरु नानक एंड महात्मा गांधी सो वो कहते कि मेरी ये जर्नी है ये जो यात्रा है वो कहाँ से शुरू की गई शुरू हुई है तो द ग्रेट लैंड इंडिया से देखो उन्होंने कहा है कि द ग्रेट लैंड एक महान भूमि है जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा जैसे एक व्यक्ति जन्म ले चुके हैं गुरु नानक और महात्मा गांधी ऐसे व्यक्ति जन्म ले चुके बहुत ही महान व्यक्ति वहाँ से हुए हैं सो इंडिया टू नॉर्वे इज अ कनेक्ट बिटवीन द टू सेंटर्स ऑफ ग्लोबल पीस एंड ब्रदरहुड एंड एनसेंट एंड द मॉडर्न वो कहते हैं कि मैं इंडिया से नॉर्वे तक आया हूँ नॉर्वे मिस एक्चुअली नॉर्वेन कमेटी ने उन्होंने और नॉर्वे नॉर्वेन कमेटी ये नोबेल प्राइज देती है डिसाइड करती है तो ये टू सेंटर्स से वो कहते हैं कि एक्चुअल जो कि ग्लोबल पीस एंड ब्रदरहुड एंड एंसेंट टू मॉडर्न ऐसा उन्होंने कहा है जो एक वैश्विक शांतता भाईचारा और प्राचीन से आधुनिकता का आधुनिकता जो होती है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं ऐसा उन्होंने कहा है यस तो बहुत ही खास का है देखो आपको पूछा जा, जा सकता है क्वेश्चन कि एक्चुअली फ्रॉम वेडेड कैला सत्यार्थी स्टार्टेड स्टार्ट हिज जर्नी सो वी कैन से दैट हिज जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम द ग्रेट लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्धा गुरु नानक एंड महात्मा गांधी इंडिया टू नॉर्वे विच इज़ अ कनेक्ट बिटवीन द टू सेंटर्स ऑफ़ ग्लोबल पीस एंड ब्रदरहुड एंड एंसेंट टू एंश एंड मॉडर्न तो एक प्राचीनता से प्राचीनता जो होती है और उसकी उससे वो आधुनिकता के तरफ बढ़ रहे हैं ऐसा उन्होंने कहा है यस yes. आगे बढ़ते देखो वो कहते कि फ्रेंड्स द नोबल कमिटी हैजनरसली इन्वाइटेड मी टू प्रेजेंट अ लेक्चर वो कहते हैं कि इस कमिटी ने मुझे इनविटेशन दिया था कि एक लेक्चर यहाँ पे आके आपको देना है रेस्पेक्टफुली आई एम अनेबल टू डू दैट वो कहते कि एक्चुअली बहुत आदर के साथ वो कहते कि मैं ये कर नहीं सकता मैं लेक्चर नहीं दे सकता बिकॉज आई एम प्रजेंटिंग हियर सो वॉट वॉट डज और वॉट इज ही प्रजेंटिंग हियर वो यहाँ पे क्या प्रेजेंट कर रहे हैं तो देखिए वो क्या प्रेजेंट कर रहे हैं सेक्शुअल एक्चुअली द साउंड ऑफ साइलेंस और साउंड ऑफ साइलेंस का यहाँ पे मतलब उन्होंने दिया है अनहर्ड प्ली ऑफ द डिप्रीव्ड अब डिप्रीव्ड का मतलब क्या होता है सो so, डिप्रीव्ड का मतलब होता है वंचित जो भी व्यक्ति वंचित है उनकी रिक्वेस्ट प्ली का मतलब होता है रिक्वेस्ट कभी भी सुनी नहीं गई है जो साइलेंट है बोल के भी कोई उनकी सुनता नहीं है ऐसे पिछड़े हुए जो लोग हैं उनकी आवाज मैं आपके पास आपके तक आप तक पहुंचाने आया हूं द क्राई ऑफ द इनोसेंस जो निष्पाप ऐसे जो बच्चे हैं उनकी जो आक्रोश है ओके okay, वो मैं आपके पास पहुंचाने आया हूं एंड द फेस ऑफ इनविजिबिलिटी और एक बात उन्होंने कही है यहाँ पे द फेस ऑफ इनविजिबिलिटी इसका मतलब है अनोटिस्ड सफरिंग ऑफ द पुअर एंड इनोसेंट जो भी एक निष्पाप गरीब ऐसे आ, ऐसे व्यक्ति है उनकी सफरिंग जो उनके लाइफ में जो भी कठिन कठिन ऐसी परिस्थिति आती है वो कभी भी किसी ने भी नोटिस नहीं की वो अब यहाँ पे बताने जा रहे हैं ऐसा उन्होंने कहा है देखो आई प्रेजेंट आई रिप्रेजेंट मिलियंस ऑफ दो चिल्ड्रन हु आर लेफ्ट बिहाइंड एंड दैट्स आई हैव हियर है रिमाइंडर तो वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे मिलियंस ऑफ जो चिल्ड्रन है जिनको ऐसे ही पीछे छोड़ छोड़ दिया गया है सो so, उनकी आवाज़ आप तक पहुंचाने आया हूं, उन्हें उन्हें रिप्रेजेंट करने यहाँ पे आया हूं, ऐसा उन्होंने कहा है और इसीलिए उसी के याद में उन्होंने वहाँ पे एक चेयर खाली रखी थी सो दैट्स वाई वी कैन सी दिस पर्सन हैड कम हियर टू रिप्रेजेंट फोर थिंग्स चार बातें रिप्रेजेंट करने के लिए आए हैं वो यहाँ पे, एक पहली बात है यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ देखो द साउंड ऑफ साइलेंस क्राई ऑफ इनोसेंस द फेस ऑफ इनविजिबिलिटी और ये तीन के बाद में चौथा पॉइंट आता है मिलियंस ऑफ दोज चिल्ड्रन आर लेफ्ट बिहाइंड ये चार पॉइंट आपको दो मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं ओके okay. तो किससे रिप्रेजेंट करने ये आए हैं तो डेफिनेटली ये चार पॉइंट आप वहां पे लिख सकते हैं एक दो मार्क के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं अगला जो है। एक एक्सपीरियंस यहाँ पे वो बता रहे हैं देखिए कौन सा एक्सपीरियंस है ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन मैं यहाँ पे आया हूँ क्या शेयर करने के लिए द वॉइस जो बच्चों की आवाज है और बच्चों की जो ड्रीम्स होती है उनके जो स्वप्न होते हैं वो मैं आज यहाँ पे शेयर करने आया हूँ ऐसा वो कहते हैं बिकॉज दे आर ऑल आवर चिल्ड्रन जेस्टर टू एवरी इन द ऑडियंस और तभी वो सब सभी जो ऑडियंस होते प्रेक्षक होते उनकी तरफ वो देखते और कहते क्योंकि वो सारे बच्चे कि किन के तो वो हमारे बच्चे है सो आई हैव लुकड इन टू दे फ्राइटेंड एंड एक्साउस्टेड आईज मैंने उनके डरे हुए और एक्साउस्टेड एक्साउस्टेड का मतलब होता है टायर्ड फैटिक थके हुए ऐसे जो आइज है वो दूसरों की राह देखते देखते थक गए हैं ऐसे लोग उन्होंने देखे उनकी आंखें उन्होंने देखी है आई हैव हेल्ड देयर इंजोर्ड बॉडीज़ मैंने उनकी जो इंजोर्ड जख्मी जो बॉडीज होती है वो हाथों में ली है और फेल्ड देयर ब्रोकन स्पिरिट्स और उनकी जो स्पिरिट है वो भी टूट गए थे उनकी जो अपेक्षा थी आकांक्षा थी एक आशा की किरण थी वो भी उनकी चली गई थी ऐसा उन्होंने कहा है ऐसे भी ब्रोकन हार्ट्स मैंने देखे हैं यस ब्रोकन स्पिरिट सॉरी ट्वेंटी ईयर्स एगो देखिए एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया है कि उन्हें उन्होंने कैसे कैसे बच्चों को उनका हक दिला है उनके अधिकार दिलाए है और उन्हें स्लेवर से बाहर निकाला है हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो छोटे हो छोटी ही उम्र से काम करने लगते कि किसी माइंड में मीनस एक्चुअली किसी लाइक like, ऐसे होटल में किसी कंपनी में काम करने लगते हैं कुछ ऐसे बच्चे होते होते हैं उन्हें किडनैप किया जाता है और उनके उसके बाद उन्हें बेच दिया जाता है कुछ ऐसे बच्चे होते हैं उन्हें किडनैप करके लोग स्लेव बनाते हैं गुलाम बनाते हैं कुछ ऐसे बच्चे होते हैं सो एक्चुअली जो कि सेक्सुअल एब्यूज़ के भी शिकार होते हैं सो मेनी मेनी थिंग्स आर देयर सो उनमें से एक एग्जाम्पल वो बता रहे हैं यहाँ पे ट्वेंटी ईयर्स आई गो इन द फुटिल्स ऑफ द हिमालय तो हिमालय के फुटहिल पे फुटहिल मीज एक्चुअल बॉटम एट द फुट ऑफ द हिमालय आई मेट अ स्मॉल स्कीनी चाइल्ड लेबरर तो एक स्कीनी छोटा बच्चा स्कीनी मीज वेरी वेरी थीन एक छोटा सा और बहुत ही थीन सुकड़ा सा ऐसा एक बच्चा एक मजदूर वहाँ पे मुझे मिला ही आस्ट मी इज द वर्ल्ड सो पुअर दैट इट कैन नॉट गिव मी अ टॉय एंड बुक इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग मी टू टेक अ गन और अ टूल उस बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा यहाँ पे कि ये पूरा विश्व इतना गरीब है कि मुझे एक टॉय एक खिलौना एक किताब नहीं दे सकता इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग मी टू टेक अ गन और अ टूल और ये लोग मुझे आज फोर्स कर रहे हैं गन लेने के लिए एक हथियार ले लेने, लेने के लिए इस हथियार और गन की वजह जगह पे वो मुझे एक खिलौना और एक किताब नहीं दे सकते इतना गरीब है देश सो आई कैन से दैट नो नेवर आवर वर्ल्ड इज सो रिच दैट ईच एंड एवरी पर्सन कैन गेट वॉट एवर ही नीड्स और शी नीड्स जिसे जो भी लगता है उसे वो मिल सकता है मगर एक्चुअली रिच तो रिच बनते जा रहे हैं और गरीब और गरीब बनते जा रहे हैं मैंने अभी आपको कहा था कि किसी को एक टाइम का खाना नहीं है और कोई ऐसे लोग है खाना खा खाना, खाना खाते खाते थोड़ा ही खाते हैं और बाकी का बहुत सारा खाना ऐसा ही फेंक देते हैं जिन्हें खाने खा जो खाना होता है जो अन्न होता है उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है ऐसे भी लोग हमने देखे हैं देखिए बहुत ही बैड सिचुएशन है वो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे अगला एक एग्जांपल देखो, आई मेट विद अ चाइल्ड सोल्जर एक सूडान में का एक चाइल्ड सोल्जर छोटे होते तभी से उन्हें एक सोल्जर की ट्रेनिंग दी जाती है सो ही वाज किडनैप बाय एन एक्सट्रीमिस्ट मिलिशिया तो उसे किडनैप किया गया था किस किसने उसे किडनैप किया था तो एक्सट्रीमिस्ट मिलिशिया अब एक्सट्रीमिस्ट मींस व्हाट उग्रवादी जो होते हैं जो एक योद्धा का काम करते मिलिशिया में इस योद्धा योद्धा जो उग्रवादी ऐसे योद्धा होते उन्होंने उसे किडनैप किया था एज़ हिज फर्स्ट ट्रेनिंग लेसन उसका पहला जो ट्रेनिंग लेसन था वो था देखिए कितना क्रुअल काम वो कर उन उनको क, करने को बोलते थे ही वाज फोर्स टू किल हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली पहला लेसन था उसका ट्रेनिंग का कि उसकी जो फैमिली है और फ्रेंड्स से उन्हें उसको मारना पड़ेगा उन उनको मारना था तो देखिए वो कहता है कि ही आस मी व्हाट इज माई फॉल्ट ये एक डायरेक्ट स्पीच के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेंटेंस पूछा जा सकता है देखो तो वो कहता है कैलाश सत्यार्थी से कि व्हाट इज माई फॉल्ट बताइए मेरा क्या फॉल्ट है इसमें सो डेफिनेटली दिस इज नॉट हिज फॉल्ट बट इट इज द फॉल्ट ऑफ द वर्ल्ड और द पीपल इन द वर्ल्ड बिकॉज एक्चुअली दे आर नॉट गिविंग अटेंशन टूअर्ड दिस चाइल्ड चिल्ड्रन बिकॉज एक्चुअली दे आर नॉट देयर ओन चिल्ड्रन उनके खुद के नहीं है इसलिए वो ध्यान नहीं देते मगर एक्चुअली खुद का होता तो ध्यान देते थे सो so, ऐसी बहुत ही एक uh, करुण ऐसी एक स्टोरी है देखो ये बहुत ही हार्ट को टच करती है कि ऐसा भी किस कुछ बच्चों के साथ होता है कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि अच्छे फिजिकली अच्छे होते हैं मगर उनके हाथ पैर तोड़ के नहीं तो उनके आंखें फोड़ के उन्हें भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता है ऐसी ही स्थिति हमने कहीं देखी है हमने कहीं सुनी है यस yes? तो देखिए आगे कभी देखते फ्रेंड्स ऑल द ग्रेट टीच रिलीजन्स टीचर्स टू केयर फॉर आवर चिल्ड्रन सो एक्चुअली वॉट डज द ग्रेट रिलीजन टीचर्स जो महान ऐसे धर्म हैं हमारे विश्व में वो हमें क्या सिखाते तो सिखाते क्या है देखो एक मार्ग के लिए और एक ब्लैंक में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है टू केयर फॉर आवर चिल्ड्रन हमारे जो बच्चे है उनकी केयर कीजिए ऐसा हमारे धर्म कहते हैं उन्हें कुछ एग्जाम्पल दिए देखे देखो यहाँ पे जीसस क्या कहते हैं और होली कुरान क्या कहते हैं उन्होंने यहाँ पे दिया है जीसस सेड लेट चिल्ड्रन कम टू मी डू नॉट हिंडर देम फॉर द किंगडम ऑफ गॉड बिलोंग्स टू देम जीसस कहते हैं क्रिश्चियन धर्म में देखिए वो कहा गया है कि बच्चों को मेरे पास आने दो डो नॉट हिंडर देम हिंडर का मतलब होता है ऑबस्ट्रक्ट उन्हें मत रोको डोंट स्टॉप देम फॉर द किंगडम ऑफ गॉड बिलोंग टू देम क्योंकि गॉड का जो किंगडम है जो स्वर्ग है वो किन का है इन बच्चों का है ऐसा उन्होंने कहा है द होली कुरान से देखिए जो मुस्लिम धर्म का बहुत ही पवित्र ऐसा ग्रंथ माना जाता है उस ग्रंथ में कहा गया है किल नॉट योर चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ पॉवर्टी सो दरिद्रता गरीबी की वजह से आपके खुद के बच्चों को और बच्चों को मत मारिए उन्हें जिन्हें दीजिए ऐसा खोली कुरान कहता है कि आप गरीब है आप दरिद्र है आपके पास पैसा नहीं है तो इसलिए आप अपने खुद के बच्चों को मत मारिए ऐसा कुरान कहता है तो देखिए ईच एंड एवरी रिलीजन सेज दैट एक्चुअली वी शुड केयर टू आवर चिल्ड्रन हमारे बच्चों का हमने केयर बच्चों की हमने केयर केयर करनी चाहिए तो ऐसा हर एक रिलीजन कहता है सो आई थिंक सो फॉर टुडे वी विल स्टॉप हियर एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्पीच वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं यहाँ पे एक पेज का कुछ भाग uh, कुछ पार्ट छोड़ रहा हूँ इसका रीज़न है कि यहाँ पे एक दो मार्क का क्वेश्चन है जो कि अगली पेज में भी उसका कुछ पार्ट है इसलिए यहाँ से छोड़ रहा हूँ ओके सो थैंक यू वेरी मच एंड बाय